और सरकार इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी करती है जी, सरकार इस तरीके से हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ जानते नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हर काम को हम एक तहजीब में करना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकत अगर हमारे अधिकार के साथ होती है तो अभी तो ये एक छोटा सा नमूना था, नहीं तो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग 85% के लोग जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे उस दिन क्या स्थिति होगी शायद आप भाप भी नहीं पाएंगे। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आज भारत बंदी है और इस भारत बंदी में ये भारत बंदी क्यों है हमारे बहुजन समाज को बताइए सर, और आपको भी देखा गया इसमें रुचि काफ़ी आप दिखा रहे थे सर, तो इसके बारे में बताइए हमारे बहुजन समाज को। देखिए भारत बंद का मतलब भारत बंद करने का निर्णय लिया गया जी कि अपने संपूर्ण बहुजन समाज के जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जी वो लोग सारे लोग सतर्क हों। सतर्क क्यों? क्योंकि सरकार ने जी जो अधिकार के साथ हमारे आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया है जी वो ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जी अब इन लोगों को आरक्षण विहीन कर दिया जाए। अच्छा। आरक्षण ही हमारा अधिकार है जी, अगर आरक्षण नहीं रहेगा जी तो अगर हमारे बच्चे 90% पर रहेंगे तो हमारे बच्चों को हटा करके 65% 70% वालों को ये रख देंगे जी, ठीक है, अयोग्य ठहरा करके जी। तो इसलिए ये भारत बंद का आह्वान हमारे भाई माननीय सांसद चंद्रशेखर रावण जी जी, बहन मायावती जी जी, उन लोगों ने अपील किया कि सरकार के खिलाफ जी अधिकार के लिए हमें पूर्ण रूप से जागने की जरूरत है, और अगर हम नहीं जगेंगे तो ये सरकार जो है अब हमारे समुचित अधिकारों को समाप्त कर देगी जी। इसका समर्थन तो राहुल गांधी जी भी किए थे, माननीय अखिलेश यादव जी भी किए थे सर। किए थे लेकिन उन लोगों का कोई बहुत खास उसमें जी कुछ दिखाई नहीं दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, हो सकता न कहे हों, कहे हों तो कार्यकर्ता नहीं आए उनके जी, लेकिन इसमें खास तौर से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भीम सेना, बहुजन समाज पार्टी से बड़े पैमाने पर लोग जगे जी, और काफी भीड़ भी एकत्र हुई जी। हम लोग गए थे, डीएम को ज्ञापन दिए हैं जी, डीएम को ज्ञापन दिए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए जी कि इस चीज पर रोक लगाएं जी, और सरकार इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी करती है जी, सरकार इस तरीके से हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगी जी, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हर काम को हम एक तहजीब में करना चाहते हैं जिसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। मगर सरकार की क्या गलती है सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में किसने दिया था जी, सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर चल रही है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी कार्यपालिका और न्यायपालिका जी, तो ये दोनों लोकतंत्र के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका थे, कौन सा न्याय उन्होंने दिया है? तो इस भारत बंदी से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को दोनों लोगों को ये चेतावनी दे दी गई है जी कि इस तरीके की हरकत अगर हमारे अधिकार के साथ होती है तो अभी तो ये एक छोटा सा नमूना था जी, नहीं तो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग 85% के लोग जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे उस दिन क्या स्थिति होगी शायद आप भाप भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये भारत में लोकतंत्र है, भारत में जमहूरियत है जी, और इसको बचा करके सारे लोग मानो मत, यार यही कहता हूँ मेरी बात को आखिर कोई क्यों नहीं समझ पाता है, यहाँ सारे लोग मानव हैं, किसी को अधिकार वंचित जातियों के नाम पर,
किसी को ज्यादा दे दिया जाता है जातियों के नाम पर, कोई भूखा मर रहा है जातियों के नाम पर, कोई हजारों खींच रहा है जातियों के नाम पर, यह क्या चीज है। मैं चाहता हूं कि भारत में समानता हो, भारत में समता हो, भारत में मानवता हो, भारत मानवतावादी सभ्यता का देश बने जी। लेकिन जिस दिन भारत मानवतावादी का देश बन जाएगा और संपूर्ण भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तथा बुद्ध की विचारधारा अगर फैल गई, तो ये 3% वालों की दुकान पर ताला लग जाएगा, जो गोबर पर भी पैसा चढ़वा लेते हैं, मूर्तियों पर भी पैसा चढ़वा लेते हैं, गौमूत्र को भी पिला देते हैं। इसलिए किसी भी हालत में नहीं चाहते कि ये समाज शिक्षित बने, ये समाज अधिकार युक्त बने, इस समाज को पूर्ण रूप से इतना ध्वस्त कर दो, इतना ध्वस्त कर दो कि ये समाज किसी अर्थ का रह न जाए। जी, भारत बंदी का असर दिखा है सर आपको? बहुत बड़ा रहा है, यूपी में तो नहीं उतना? नहीं नहीं, हर जगह रहा है। कुछ लोग, चूंकि ये संगठन के द्वारा बंद किया गया था जी, ये कोई सरकारी बंदी तो थी नहीं कि सरकार ने आदेश किया है जी, ये तो हमारे संगठन ने आदेश किया जी, हमारे भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के हमारे भैया ने कहा जी कि नहीं, सबको रोड पर उतर करके और सरकार को बता देने की जरूरत है कि इस तरीके की जो उन्होंने हरकत करने का प्रयास किया, इसको वापस कर ले जी। तो इसलिए उस बंदी में हम लोग गए और पूरी मजबूती से हम लोग लगे रहे जी। ज्ञापन दे दिया गया, अगर मान जाएंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो और बहुत सारे हथियार उपाय हमारे पास हैं जी। हम हर काम संविधान के तहजीब में, संविधान के तहत करना चाहते हैं। हम हर प्रोटेक्ट अपना जो है संविधान के दायरे में करना चाहते हैं। जितना उदंडपन वो लोग कर रहे हैं ना जी, उतना उदंडपन पर अगर हम लोग उतर जाएंगे तो एक घंटा ये टिक नहीं सकते जी। लेकिन अब थोड़ी सी कमी हमारे लोगों में भी है, हमारे लोग ही उनके साथ मिलकर के अपने लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं जी। उनके पास कहाँ पावर है, सब कुछ तो जनता तो हमारे पास है। भारत में 85% हम लोग हैं, लेकिन यहाँ जातियों के नाम पर बांट दिए। देखिए इनकी बारीकी, SC ST के लिए कहे, OBC के लिए नहीं कहे, क्योंकि OBC शांत रहेगा, SC ST को जब बलि चढ़ा लेंगे तो OBC को इकट्ठे चढ़ाएंगे। अब OBC टांग चढ़ा के खड़ा जी, हम आन पकड़ो बहन, बड़ी बात ना है, एक चमार उमार समझे ये क्यों ये बीमारी तय जात के नाम से। अगर जिस दिन इस देश के लोग मेरी भाषा को समझ गए कि हम जात बनकर पैदा नहीं होते, मानव बनकर पैदा होते हैं, भारत हमारा है और हम भारतीय लोग हैं, हमारे अंदर जातियों से बाहर निकल करके हम लोगों को भाईचारा बना करके मानव बनकर एक साथ रहना चाहिए, जिस दिन ये भाषा लोगों के समझ में आ गई उस दिन इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये समाज शासक बनेगा, ये समाज अधिकार विहीन नहीं रहेगा। भारत बंदी से हम लोग काफी प्रसन्न है, कम से कम घर में बैठे लोग निकले बाहर आए, जान पाए कि हमारा अधिकार खतरे में है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।